अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद दून में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो अब कांग्रेस और एमआईएम पर बहुत कुछ बोला और तबसरा किया जा सकता है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पर भी बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। जाहिर है कर्नाटक में असेंबली चुनाव एक साल के अरसे पर होने हैं, तो रियासती कांग्रेस के तंबू में घबराहट देखी जा रही है। कर्नाटक के पड़ोस रियासत में जीत का जश्न देखने पहुंचे डीके शिवकुमार और सतीश जारकवाल आकर मायूस होकर बेलगाम लौटे हैं और उन्होंने कांग्रेस भवन में जिम्मेदारान की मीटिंग तलब करते हुए सभी से मनसूबाबंदी की तरफ इकदाम करते कारकुनान जिम्मेदारान को हिदायत दिए। वैसे जितना बुरा दिन एमआईएम के लिए था उतना ही बुरा दिन कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। क्या कांग्रेस पूरे मुल्क में सिकुड़ती जा रही है? लिहाजा इसी फिक्र को लेकर कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकवाल ने मीटिंग तलब फरमा करा। आखिर किन गलतियों की वजह से कांग्रेस हार रही है और कैसे हार से बचा जा सकता है, तबादले ख्याल किया गया। इस वक्त सतीश जारकवाल ने कहा कि यकीनन पांच रियासतों में कांग्रेस की शिकस्त हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त करना नामुमकिन है। आने वाले इंतखाबात में 130 जगह पर भाजपा जीत दर्ज करने का दावा तो कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, ऐसा भरोसा भी दिलाया। आपसे इख्तलाफात पर भी जवाब देते हुए कहा कि सभी रियासतों में आपसे इख्तलाफात हैं, पर हम अब बिल्कुल तैयार हैं। भाजपा को 100 साल लगे हैं धीरे धीरे इख्तदार तक पहुंचने के लिए, कांग्रेस भी धीरे धीरे नीचे चले गई, अब उभर कर फिर इख्तदार हासिल करेगी, ऐसा भरोसा इन्होंने दिलाया। राज्यसभा मेंबर हनुमंतैया ने कहा कि हमने शिकस्त को कबूल किया है और इस शिकस्त से बहुत कुछ सीख भी रहे। पिछले 10-15 सालों से मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस नाकाम होती दिखाई दे रही है, लेकिन अब वक्त जरूर बदलेगा। अब हुकूमत में कांग्रेस ही आएगी। हर 3 साल में कांग्रेस मेंबरशिप मुहिम चलाई जाती है। हाल ही में मुहिम चलाई जा रही है, 31 मार्च तक 50 लाख मेंबर्स की मुहिम चलाई जा रही है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही इस मुहिम को चलाया जा रहा है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी को इतना जरूर महसूस हुआ है कि आने वाले चुनाव में कुछ खैर नहीं है। अगर हालात देखे जाए तो कांग्रेस का जीतना चुनौती से कम नहीं है। अगर बेलगाम और अतराप में भी सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे तो तस्वीर यहां भी बदलती नजर आ रही है। लीडरों के नाम पर दलाली की जा रही है, तो कुछ जगहों पर बड़े लीडरों के नाम का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहां तक अपने आप को फला लीडर का करीबी कहकर पुलिस की जानिब से डराने धमकाने की तक कोशिश जारी है। कांग्रेस अभी जीती भी नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। इत्तला हासिल यह भी है कि तमाम आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसे कोशिश जारी है कि जैसे जीत चुके हैं और लीडर्स यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जहन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है, लिहाजा अपना लीडर तो डिप्टी सीएम तो बनेगा ही बनेगा, फिर दरबार तो अपना ही है। लिहाजा मौजूदा इंतखाबात के नतीजों ने शायद इनकी गर्मी को कुछ कम किया हो, क्योंकि अब कांग्रेस की हुकूमत रियासत में भी आना मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी योगी शाह तिकड़ी को किसी भी सहारे इख्तदार हासिल करने का हुनर हासिल हो चुका है। लिहाजा बड़े लीडरों के नाम पर जो भी छुटपुट नेता गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, कांग्रेस लीडरों को नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जब इख्तदार होता है तभी इंतजामिया सरकारी मौकमा या दिगर जगहों पर रसूख भी होता है और उनकी सुनी भी जाती है। खैर, कर्नाटक रियासत भाजपा के लिए आसान इसलिए भी है कि आरएसएस का कैडर और हिंदुत्व का असर अब रियासत में देखने को भी मिल रहा है। कर्नाटक का हिजाब मामला कुछ हद तक योगी हुकूमत को यानी कि यहां से उत्तर प्रदेश तक जाकर फायदा पहुंचा सकता है, तो जिस जगह पर हिजाब मामला हुआ है उस रियासत में भी कैसे फायदा नहीं उठा सकते, मतलब हिजाब मामले का फायदा यकीनन भाजपा को होगा। इसका इल्म भी भाजपा को है, ना सिर्फ मुस्लिम वोट बल्कि दलित वोट भी बढ़ता नजर आ रहा है। ताज्जुब तो इस बात पर भी है कि यूपी में दलित वोट भाजपा की तरफ मुंतकिल हो गया। बहुजन समाज का सिर्फ एक सीट हासिल करना आखिर क्या कहा जा सकता है? पड़ोसी रियासत गोवा में 2 बड़े लीडर हाथ हिलाते लौटे हैं, तो दिल में कहीं तो भी डर लिए ही लौटे हैं कि क्या कर्नाटक में भी हालात इसी तरह रोनुमा हो सकते हैं। इसकी एक और अहम वजह यह है कि मुख्तलिफ हलकों में कांग्रेस आपसी इख्तलाफात का शिकार है। पहले का पारंपरिक वोट जिसे मुसलमान डालते हैं अब कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। यूपी में मुसलमानों ने समाजवादी को वोट किया, असदुद्दीन ओवैसी की भीड़ वोटों में तब्दील न हो पाई, लिहाजा ओवैसी का जलवा कर्नाटक में भी बेअसर होगा, ये यकीन होता जा रहा है। इससे पहले भी हमने कहा था कि एक बार फिर कहता हूं, भाजपा की जीत महज मुस्लिम दुश्मनी की जीत है, क्योंकि अक्सरियत वोट आखिर किस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं? भले ही कानून व्यवस्था डेवलपमेंट राशन की बातें कही जा रही हो, लेकिन जो जनादेश मिला है यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाला है। कांग्रेस एक बार फिर अपनी बुनियादों को मजबूत करने की तरफ कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या यह काम आसान है? काफी मुश्किल है। ईवीएम मशीनों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर जीतना चाहती है और इसमें कहीं तो कामयाब भी होती नजर आ रही है। खैर, कांग्रेस ने कोशिश तो चलाई है, पर कामयाबी के बाद ही कोशिशें मायने रखती है, ये भी उतना ही सच है। ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಓಟ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಆಪ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗೋವಾ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜವಾದಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 32% ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒಂದು 2-3% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪರಿವಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಗನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಹೆಂಡತಿ ವಾಪಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಂಜಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವರಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಲಭೆಗಳು ಇದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಕೇಸರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟವೇಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋದ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಹೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಹೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಹೀನಾಯವಾದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಜನರ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಐಸಿಸಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ बेलगाम कारपोरेशन 3 सालों से इंतजामिया के जेरमाते हद कारपोरेशन के काम को अंजाम दे रहा है एक तवील अरसे के बाद भी कारपोरेटरों को दाखला हासिल नहीं हुआ है और मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव अब तक नहीं हुआ है बेलगाम कारपोरेशन का कायम 1974 में अमल में आया 1984 में पहली मरतबा कारपोरेशन चुनाव हुए 2005 में कारपोरेशन इसी तरह बर्खास्त हुई थी इसके बाद 2.25 साल तक यानी 2008 तक कारपोरेशन इंतजामिया के मातहत कामों को अंजाम दिया गया फिर 2011 में फिर से कारपोरेशन बर्खास्त की गई 2014 तक फिर कारपोरेशन इंतजामिया के मातहत चलती रही ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि मुस्तकिल 3 साल तक इंतजामिया के मातहत कारपोरेशन चलाया जा रहा है पिछले अगस्त 2021 को कारपोरेशन चुनाव मुकम्मल हुए पहली मर्तबा पार्टियों के नाम पर कारपोरेशन में चुनाव लड़े गए और यहाँ भी देखा गया कि भाजपा के ही अक्सर कारपोरेटर्स ने जीत दर्ज की पहली मर्तबा ये 14 मुस्लिम कारपोरेटरों ने तारीखी जीत दर्ज की इसके बाद काफ़ी अरसे तक गुलपोशियों के इजलास भी हुए अब तक 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजरा लेकिन कारपोरेटरों का दाखिला अब तक नहीं हो सका आखिर क्या वजह है कि कारपोरेटर्स को कारपोरेशन के कामों को अब तक सौंपा नहीं गया मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा जबकि हुकूमत तो भाजपा की ही है इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं लिहाजा 10 तारीख को कारपोरेशन इंतजामिया को 3 साल पूरे होने पर एक बार फिर सवाल खड़े होते दिखाई दे इससे पहले भी दांडली की काली नदी से बाहर निकलकर मगरमच्छ का गली मोहल्ले में तफरी करता वीडियो वैसे भी वायरल हुआ था ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है लिहाजा बार बार नदी से बाहर निकलकर मगरमच्छों का इस तरह से बाहर आना और घूमना आवाम में डर खौफ पैदा कर रहा है एक बार फिर नदी से बाहर आकर मगरमच्छ घूमती देख आवाम ने पुलिस और फॉरेस्ट महकमा को इत्तला दी जिसके बाद मगरमच्छ को रस्सी से पकड़कर बांध दिया गया इस वक्त मगरमच्छ जख्मी भी हुई लिहाजा इस पर अब इलाज किया जा रहा है बार बार होती वारदातों से डांडेली गांव के अतराफ में खौफ का माहौल देखा जा रहा है खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़ शुक्रिया अल्लाह हाफिज़